देख रहे हैं टीएनआई आवाज, मैं हूं आपके साथ सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के एंटी भू माफिया अभियान को जनपद के भू माफिया खुले तौर पर चुनौती देते दिखाई दे रहे। ताजा मामला जनपद महोबा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां डीएनएन टीवी चैनल के पत्रकार द्वारा भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग से बोखलाए भू माफिया ने पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे दी है। पीड़ित पत्रकार ने आला हुक्मरानों को पत्र लिखकर अपनी जान माल की सुरक्षा मांगने के साथ ही भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की है। शहर के मिल्कीपुरा मोहल्ले में रहने वाले डीएनएन टीवी चैनल के पत्रकार अफसार अहमद ने जनपद में काबिज आला अफसरानों से भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। अफसार अहमद नाम है मेरा, डीएनएन न्यूज टीवी चैनल से जिला संवाददाता हूँ महोबा से। मैंने 6 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय को एक भू माफिया के खिलाफ जमीन से अर्जित मामला था, उसके खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। शिकायत अपने अंतिम चरण पे है। जिलाधिकारी ने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली महोदय को आदेश दिए, कोतवाली महोबा को, कि जो है जांच उपरांत कठिन कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी से भू माफिया के द्वारा लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और उस दबाव बनाते में जब मैंने पूरी तरीके से शिकायती पत्र वापस लेने से मना कर दिया, तो कल लगभग 2 से 3 बजे के बीच में मैं कवरेज करके लौट रहा था, तब भू माफिया ने मुझे रोककर, 2-3 लोगों के साथ में रोककर मुझे भद्दी गालियां दी और मुझसे कहा कि जो है जांच प्रक्रिया वापस ले लो, अगर शिकायती पत्र आप वापस नहीं लेंगे तो आपके ऊपर कई फर्जी मुकदमे लगा देंगे, जिसमें नाबालिग बच्ची का छेड़छाड़ का मामला भी आपके ऊपर दर्ज करा देंगे। इससे जो है मेरा वहाँ ब्लड प्रेशर हो गया और मैं बहुत परेशान हो गया। पत्रकार साथियों को फोन किया, वो वहाँ पर आए और मुझको आनंद फानंद में ले गए। मैंने काफ़ी देर आराम करने के बाद सुभाष चौकी इंचार्ज अपना हल्का क्षेत्र को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें भू माफिया के खिलाफ कठिन कार्रवाई की मैंने मांग की है। और भू माफिया मुमताज अहमद जो पुरवा बजरिया का रहने वाला है, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की थी भूमि, और योगी सरकार आते ही उसकी मैंने अभी फिलहाल में जांच डाली। जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच अंतिम पड़ाव पर है, लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जांच प्रक्रिया वापस ले लो, नहीं तो मार देंगे, नहीं तो फर्जी केसों में फंसा देंगे। प्रशासन से अनुरोध है कि कठिन कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को एक अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर में बंद पड़े घर से नर कंकाल मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, कंकाल को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर डीएनए जांच करवाने की सिफारिश की है। डॉक्टरों ने नरकंकाल का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल ले लिए हैं। डॉक्टर ने अनुमान लगाया है कि करीब 1 वर्ष पहले इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, किसी ने हत्या करके शव को बंद पड़े घर में फेंक दिया। जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को भी पुलिस ने मौके वारदात पर बुलाया था। थाना सेक्टर 20 में कंकाल मिलने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सेक्टर 20 एरिया है, वहाँ पर एक मकान है जो आधा बना हुआ है और आसपास में काफ़ी झाड़ियाँ हैं, जो उसके मकान मालिक हैं उन्होंने किसी व्यक्ति को उस घर को उस फरमाइश को देखने के लिए भेजा होगा। वहाँ जब वो गए तो एक जो एक कमरा बना हुआ है उसमें एक स्केलेटन पड़ा हुआ मिला है, उसको सूचना उसकी पुलिस को मिली और उसके बाद तत्काल हमारी टीम आ गई, एफिडेंस टीम भी गई, जो एविडेंस थे उसको कलेक्ट किया गया है, और जो वो स्केलेटन मिला है उसको उन्होंने टीम के लिए भेजा है, उनकी कार्रवाई की जा रही है, बाकी आसपास के लोगों से छानबीन की जा रही है और जो भी फाइंडिंग्स होंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मच्छरों के काटने से होने वाले बीमारियों से बचने के लिए हम कोयल या फिर अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत तरीके से बनाई जा रही मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती जानलेवा साबित हो सकती है। ये खुलासा कानपुर पुलिस की छापेमारी में हुआ, जहां पूरी तरह से अवैध मच्छर भगाने वाला कारखाना चलाया जा रहा था। छापेमारी में पुलिस को यहाँ से भारी मात्रा में कई नामी गिरामी ब्रांडों की डुप्लीकेट अगरबत्ती बरामद हुई। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में बने फैक्ट्री एरिया में नकली मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की सूचना पर पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापेमारी की। ये मिस्टर चक्रवर्ती हैं, कंफर्ट अगरबत्ती के जो है लीगल से हैं ये। इन्होंने सूचना दी कि यहाँ फजलगंज में ये लोग जो है नकली अगरबत्ती बना के रैपर में सील करके उसको जो है बेच रहे हैं। जिनकी सूचना पे स्वाट टीम प्रभारी SHO फजलगंज, इनकी टीम ने दबिश किया तो यहाँ ढेर सारे रैपर, विभिन्न ब्रांडों की मास्किटो की अगरबत्तियाँ, मशीनें, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं।
इनके ऊपर नियमता मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जाए। जांच के यहाँ बहुत सारे बहुत ब्रांड के जो है अगरबत्तियाँ मिली, बहुत सारे कंफर्ट का है, रामबाण का है, ऐसे ऐसे करके जो है तकरीबन 10 ब्रांड हैं जिनमें इनकी जो है पैकिंग वगैरह हो गई। बिल्कुल डुप्लीकेट है वो, तो लीगल सेल के इनके ही वो बता ही रहे हैं कि इनके नाम से जो है ये उसको फर्जी पैक करके जो है मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें ये इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा लिख के जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, उसको की जाएगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अग्रिम कार्रवाई जो भी है नियमता सब की। अभी तो इसमें जो है जांच चल रही है, अभी तो तलाशी चल रही है, बिल्कुल होगी परेशान भी होगी। कानपुर जिला कारागार में एक बार फिर कोरोना का बम फूट गया है। अस्थायी जेल से शिफ्ट कर कारागार आए 10 बंदियों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है। जिला एवं स्वास्थ्य विभाग में इस जानकारी के बाद अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं। सीएमओ ने आनंद फानर में 2 टीमों को जेल अस्पताल के लिए रवाना किया। वहीं कोरोना पॉजिटिव आए बंदियों को क्वारंटाइन करते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जिला कारागार जो मेन जेल है कोविड पीरियड में टेम्प्रोरी जेल अस्थायी जेल चौबेपुर में बनाई गई, तो वहाँ पे जो नए बंदी वहाँ दाखिल किए जाते हैं उनको वहाँ एंटीजन टेस्ट करा के दाखिल किया जाते हैं, निगेटिव होते हैं तो वहाँ दाखिल होते हैं, तो वहाँ क्वारंटाइन पीरियड जब उनका पूरा हो जाता है उसके पश्चात उनको मेन जेल में लाया जाता है। मेन जेल में लाने के पश्चात हमने भी एक इंक्लोजर मेन जेल में क्वारंटाइन सेंटर तो बना रखा है, उनको वहाँ क्वारंटाइन किया जाता है, प्लस यहाँ उनकी पुनः जाँच कोविड की कराई जाती है। तो उसी में कल जो टेस्ट हुए नए बंदियों के, पुराने बंदियों में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संक्रमण का खतरा नहीं है, तो उसी में से जो नए बंदी थे उसमें से 10 बंदी कल पॉजिटिव आए। और आपको ये भी बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट साहब और सीएमओ साहब के माध्यम से जिला कारागार कानपुर नगर की मेन जेल में L1 हॉस्पिटल कोविड से संबंधित स्थापित, पूर्व से स्थापित है, और उसमें डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ कोचिंग, तो वो जो 10 बंदी जो निकले उनको हमने L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, उनको एलोपैथ की दवा एवरमेक्टिन है, जो भी एलोपैथ की दवा आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है, हल्दी वाला दूध है, काढ़ा है, गर्म पानी है, सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है। ये देखिए वहाँ पे जब दाखिल होते हैं तो संबंधित जिस थाने की जो पुलिस होती है वो एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट करा कर वहाँ दाखिल करते हैं, तो उनका दायित्व होता है। यहाँ पे आने के पश्चात कारागार प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि हम लोग कराते हैं। यहाँ अब इस बारे में हम देखिए जांच आप ये कैसे कर सकते हैं सही, रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो है आप ऑथेंटिसिटी आप कह लीजिए बहुत अच्छी नहीं होती, RT-PCR जो होता है वो एग्जैक्ट टेस्ट माना जाता है, रैपिड में कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ है तो वो चीज़ें आ जाती है। और आपको ये बता दें कि सभी एसिम्प्टोमेटिक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट जेल में कराए गए, सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसा गंभीर बीमार नहीं है, उनको एलोपैथ की दवा आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, वो तो रूटीन में चलता रहता है। जो हमारे पुराने बंदी हैं उसमें से हमारे कोई पॉजिटिव नहीं है, और उनका तो रूटीन में बीच बीच में टीम आती रहती है। अब तक हम बता दें कोविड पीरियड से लेके अब तक करीब हमने 10,000 बंदी जो पुराने हैं जो नए आते रहते हैं छूटते रहते हैं, करीब 10,000 बंदियों का कोविड टेस्ट करा है, और वर्तमान में कल ये जो नए बंदी हमारे पॉजिटिव आए, बाकी पुरानों में कोई संक्रमण का खतरा नहीं है, सभी सेपरेट हैं, अलग हैं। इवन जो ये नए बंदी हैं इनको जो हमारा L1 हॉस्पिटल है उसमें बने रखा है, इनका भोजन भी हम लोग पैकेट के माध्यम से चेन, तो रोज टेस्ट होते हैं हमारे, टेस्ट तो रोज हमारे यहाँ होते हैं ऐसा, लेकिन ये जो नए आए हैं इनका तो हम रोज टेस्ट कराते, जो भी नए हमारे बंदी आते हैं उनका सभी का मैं टेस्ट कराते हैं।
वो जो पहले से हैं उनको जैसे एरिया वाइज कुछ एक बैरक वाइज के हिसाब से हम लोग बीच बीच में टेस्ट कराते हैं। वो रूटीन अलग है, नए बंदियों का टेस्ट कराना वो अलग रूटीन है, पुराने बंदियों की टीम आती रहती है, कभी 100 200 300 400 जो भी किट लाते हैं उसके हिसाब से टेस्ट होता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। हाँ बता तो मैंने कहा कि जेल में एल1 हॉस्पिटल भी स्थापित है। अब किस क्षेत्र से ये तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, नए बंदी है कहाँ से अरेस्ट होके आए और किस केस में आए, ये तो रिकॉर्ड देखते नहीं। आप ये सोचिए कि जब वहाँ टेम्पररी जेल में ये दाखिल किए गए तो ये निगेटिव होकर के दाखिल किए गए थे, समझ गए? तो ये बात आती नहीं कि उस क्षेत्र की बात करें आप, वहाँ तो टेस्ट करा के उन्होंने दाखिल किया, उसके बाद जब यहाँ पे आए तो। लेकिन ऐसा है ना, देखिए अब आजकल आप भी समाज में रहते हैं, देखते होंगे कि आज टेस्ट हुआ 10 दिन के बाद आप कराएंगे तो हो सकता है कि फिर से पॉजिटिव आदमी आ जाए। अब ये चीजें तो बाहर की है, अब ये चीजें तो बाहर की चीजें हैं। नहीं नहीं ऐसा देखिए, हमने बताया ना सब एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स नहीं। फिलहाल TNI एक्सप्रेस को सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज आपके आवाज के साथ।